के विधायक को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर से वसूली के आरोप में नरेश बालियान गिरफ्तार। विधायक बालियान की गिरफ्तारी पर आपने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। शनिवार को ही जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, तो वहीं रात होते होते आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी एक साल पुराने मामले को लेकर, जिसे एक तरफ जहाँ दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान की एक कथित ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाया था कि कट्टर बेईमान आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। इस पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक गैंगस्टर है जो खुलेआम वसूली करते हैं और वो भी अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से या दिल्ली सरकार के विधायक करवाते हैं। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है, पापी आप गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा? बीजेपी ने कथित ऑडियो क्लिप जारी करते हुए ये आरोप लगाया कि आप एमएलए नरेश बालियान एक गैंगस्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक बिजनेसमैन से वसूली करने के लिए कहते हैं। इस दौरान उन्हें डर लगता है तो वो गैंगस्टर से कहते हैं कि दूसरे फोन पर बात करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ऑडियो क्लिप को लेकर कहा कि उस ऑडियो में आगे सुनाई देता है कि बिजनेसमैन से वसूली करके जो पैसे आएंगे उसे हवाला के लिए आपस में बांट लेंगे। जिस कथित ऑडियो के बहाने बीजेपी आरोप लगा रही है वो वीडियो दरअसल एक साल पुराना है और अब एक बार फिर से बीजेपी ने इसे मीडिया में जारी किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर की रात को ही दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया और एक ट्वीट में ये जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली के मामले में दिल्ली विधानसभा के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है। विधायक और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत वाली ऑडियो क्लिप की जांच के बाद गिरफ्तारी की गई। गैंगस्टर फिलहाल विदेश में है। बातचीत में एक व्यापारी से फिरौती की रकम वसूलने की चर्चा है। मामले की जाँच आगे जारी है। इधर बीजेपी ने कथित ऑडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया है और उधर दिल्ली पुलिस ने ठीक उसी दिन की रात होते होते नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक साल पुराने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो हम नरेश बालियान को गिरफ्तार करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो गैंगस्टर को गिरफ्तार करके दिखाइए, मेरे ऊपर हमला कराने से और हमारे विधायक को गिरफ्तार कराने से क्या दिल्ली के लोग सुरक्षित हो जाएंगे? कल नरेश बालियान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी
तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना, कोई कंप्लेंट आएगी कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे, तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। कौन बचाएगा फिर लोगों को? लोग किसके पास जाएंगे? लोग किसके पास के कैसे शिकायत करेंगे फिर लोग? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। बच्चा बच्चा दिल्ली का जानता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली के अंदर जो मर्डर कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे MLA को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे MLA को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के बिजनेसमैन सुरक्षित हो जाएंगे? लंदन में बैठे जिस गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बहाने बीजेपी आप विधायक नरेश बाल्यान पर वसूली का आरोप लगा रही है, उस गैंगस्टर के खिलाफ दरअसल खुद आप विधायक नरेश बाल्यान ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद गैंगस्टर कपिल सांगवान को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कल हमारे एक MLA को गिरफ्तार कर लिया गया। उस MLA का कसूर ये था कि वो MLA भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। MLA नरेश बाल्यान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है। वहां से उनको इस तरह की कई धमकियां आई, उस पर कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे ऊपर हमला कराया गया। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर था कि हम लोग दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात उठा रहे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले में बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली हाई कोर्ट के रोक के बावजूद फेक वीडियो चलाया गया और नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी की गई। पहले ही 2022 से लेकर 23 तक अपने साथ हो रही धमकी और गुंडागर्दी के बारे में वो खुद पुलिस में शिकायत करते, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनको सुरक्षा दी। फिर अगस्त के महीने में 2023 में टीवी चैनल ने उनको बदनाम करने की मंशा से एक ऑडियो चलाई, एक फेक ऑडियो, जिसके ऊपर दिल्ली के हाई कोर्ट ने रोक लगाई। बावजूद इसके दिल्ली के हाई कोर्ट के ऑर्डर को न मानते हुए, दिल्ली के न्यायपालिका के आदेश को न मानते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने वही ऑडियो क्लिप फिर से मीडिया में जारी किया। फिर से उसी ऑडियो क्लिप को चलाकर नरेश बाल्यान और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। बजाय इसके कि भाजपा के लोगों पर कार्रवाई हो, दिल्ली हाई कोर्ट के रोक के बावजूद ऑडियो चलाने के मामले में कार्रवाई हो, नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया गया है बेबुनियाद मामले में, बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के। क्या यह कानून है? क्या यह अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का कानून है? केजरीवाल जी दिल्ली की सुरक्षा के बारे में बोलेंगे तो उनके विधायकों को आप गिरफ्तार करेंगे, उनके ऊपर आप हमले करवाएंगे? एक साल पुराने इस मामले में जब नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ इसी तरह से वार पलटवार हुआ। तो वहीं जिस गैंगस्टर कपिल सांगवान को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है उसके बारे में आपको बता दें, गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल लंदन में रहता है। उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड में कपिल सांगवान मास्टरमाइंड है। इतना ही नहीं, कपिल सांगवान बीजेपी नेता
सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में भी मास्टरमाइंड है। कपिल सांगवान दिल्ली एनसीआर में एक्सट्रॉशन करता है और मर्डर करवाता है। साल 2023 में उसने दिल्ली के उत्तम नगर में बीजेपी नेता की हत्या करवाई थी और अब नरेश बालियान मामले में उसी का नाम सामने आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।